हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं जिस कहानी को सुनने के बाद आपके रूह कांप जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या जीवन में कोई इतना कष्ट झेल कर सकता है, क्या किसी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव हो सकता है, क्या जीवन में कोई इतना भी अत्याचार सह सकता है। एक दोस्तों, ऐसी ही ये कहानी है जिसे सुनने के बाद आपका कलेजा कांप जाएगा। आप अपने दुश्मन के लिए भी ऐसी दुआ नहीं मांगोगे। आप अपने दुश्मन के लिए भी ऐसा अगर अपने आपके दुश्मन के साथ भी घटना घटेगा तो आप उसके लिए भी रोने लगोगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी ही ऐसी है जिसे सुनने के बाद आपका भी रूह कांप जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए इस सच्ची कहानी को सुनने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ये कहानी है मई 2016 की, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के बिकना शहर की, जहां पर सुषमा नाम की एक विधवा औरत अपने माँ बाप के साथ उसके ही गांव में एक किराए का मकान लेकर रहती थी। उसके माँ बाप उससे कुछ दूरी पर रहते थे, वो कुछ दूरी पर मकान लेकर रहती थी। उसकी उम्र अभी 22 साल थी। 20 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी, पर शादी के 8 महीने बाद ही वो विधवा हो जाती है। इसके बाद वो अपने माँ बाप के गांव में आ जाती है और गांव में आने के बाद किराए का मकान लेकर रहने लगती है। सुषमा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, शरीर की लंबाई चौड़ाई भी बहुत ही अच्छी थी, और अब विधवा हुए 1.5 साल से भी ज़्यादा हो चुका था और वह धीरे धीरे अकेलेपन का शिकार हो चुकी थी। तभी उसके ही मोहल्ले में रहने वाले एक भजन लाल नाम के एक युवक धीरे धीरे सुषमा के प्यार में पड़ने लगता है। भजन लाल की एक बीवी और 3 बच्चे थे और भजन की उम्र 35 साल थी। भजन एक तांत्रिक भी था, उसे तंत्र मंत्र का अच्छा ज्ञान था और वो एक उसके साथ ही एक प्लांट में वो ड्यूटी भी करता था, प्लांट में एक नॉर्मल जॉब भी करता था। तभी भजन एक अच्छा दिन देख कर, एक अच्छी टाइम देख कर सुषमा के पास जाता है और अपने दिल की बात बताता है, लेकिन सुषमा उसे मना कर देती है क्योंकि सुषमा को लगता था कि इससे बात करना सही नहीं होगा, क्योंकि गाँव मोहल्ले वाले जानेंगे तो क्या बोलेंगे। इस बात का भजन को बहुत ही धक्का लगता है। उसे यकीन था कि सुषमा उससे बात करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि सुषमा एक विधवा औरत थी, पर उसके मना कर देने पर भजन को बहुत ही गुस्सा आता है, बहुत ही उदास भी होता है। तभी उसके मन में एक खुराफाती सोच आती है। उसने मेघना यानी कि सुषमा के ऊपर तंत्र मंत्र और काला जादू करने लगता है और उसने तंत्र मंत्र की प्रयोग से उसे अपने बस में करने की कोशिश करता है और उसकी मेहनत रंग लाती है। सुषमा तंत्र मंत्र के प्रभाव में आ जाती है और भजन लाल के साथ बात भी करने लगती है। छुप छुप कर दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और इस चीज़ से भजन काफ़ी खुश होता है और यही कार्यक्रम उनका काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। सुषमा को भी पता नहीं चला कि वो कैसे भजन के इतना प्यार में पड़ चुकी है। इसके बाद धीरे धीरे सुषमा को पता चलता है कि भजन एक तांत्रिक है। फिर सुषमा उससे थोड़ा सा दूरी बनाना चाही, पर वो दूरी नहीं बना पाई क्योंकि मंत्रों का उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव था। इसके बाद धीरे धीरे सुषमा उसके प्यार में भी पड़ जाती है और उनका करीबी भी एक दूसरे के होते जाते हैं। पर अब सुषमा को पता चल चुका था कि उसका जो प्रेमी है भजन लाल, वो एक तांत्रिक है, और जब जानने के बाद धीरे धीरे सुषमा भी उससे तंत्र मंत्र का ज्ञान लेने लगती है, धीरे धीरे सीखने लगती है। कुछ दिन के बाद ही सुषमा उसकी पूरी विद्या सीख जाती है और जब पूरी भजन लाल की विद्या सीख जाती है तो सुषमा को पता चल जाता है कि वो भजन लाल के प्यार में क्यों पड़ी थी। इसके बाद सुषमा भजन को छोड़कर कोलकाता चली जाती है
कोलकाता जाने के बाद एक प्लांट में जॉब करने लगती है और जॉब के बाद वहीं एक बड़े तांत्रिक को अपना गुरु मानकर उसके साथ तंत्र मंत्र की विद्या सीखने लगती है। और वहाँ भी कुछ महीनों के बाद तंत्र मंत्र की पूरी विद्या सीख जाती है। अब वह कोलकाता से फिर से घर आ जाती है और घर आने के बाद भजन लाल फिर से सुषमा से बात करने की कोशिश करता है, पर सुषमा इस बार गुस्सा होती है और मना कर देती है। भजन एक बार फिर से सुषमा के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग करता है, पर मंत्रों का प्रभाव इस बार सुषमा पर नहीं होता है। फिर सुषमा अपने ही घर में अकेले जीवन फिर से बिताने लगती है और अकेले अकेले ही काफ़ी दिन बिता देती है। फिर सुषमा अपने मनोरंजन के लिए वो एक भूत को बुलाती है। भूत बड़ा ही डरावना था, खूंखार था, पर मेघना को उस भूत से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। सुषमा को उस भूत से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि सुषमा का ही बुलाया हुआ भूत था, वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरती है। फिर सुषमा उस भूत को बोलती है कि तुम अपना भेष बदलो और एक खूबसूरत आदमी बन जाओ। भूत ऐसा ही करता है, भूत अपना भेष बदल लेता है और एक बहुत ही हैंडसम नवयुवक दिखने लगता है। सुषमा इतने हैंडसम भूत को देखती है तो उससे रहा नहीं जाता है, उस भूत के साथ काम वासना की इच्छा जागृत होती है और सुषमा उस भूत को बोलती है कि तुम मेरे साथ काम वासना करो, यानी कि यौन संबंध बनाओ। भूत भी सुषमा का बात मान लेता है और उसके साथ उस यौन संबंध बनाने लगता है। सुषमा बहुत ही खुश होती है क्योंकि ऐसा शारीरिक सुख उसे पहले काफ़ी महीनों तक नहीं मिला था। ऐसा शारीरिक सुख पाने के बाद सुषमा पूरी रात उसके साथ संबंध बनाती है। एक बार यौन उत्तेजना कम होने के बाद फिर से अपने अंदर यौन उत्तेजना को जागृत करती है और बार बार ऐसे ही करके पूरी रात संभोग की क्रिया करती है। मेघना बहुत ही खुश हुई क्योंकि जो सुख उसे आज मिली वो कभी नहीं मिली थी। फिर दिन हो जाता है, अगली रात आती है। इस रात फिर से सुषमा अपने अंदर तीन महिलाओं की यौन शक्ति को जागृत करती है। तीन महिलाओं की यौन शक्ति को अपने पास अपने शरीर में अपनी मंत्रों की मदद से बुलाती है और उसके साथ ही वो तीन भूतों को भी बुलाती है और तीनों भूतों के साथ बारी बारी से यौन क्रिया करती है। मेघना इसी तरीके से हर रात को करती थी और धीरे धीरे करके वो अब संभोग की आदि हो चुकी थी, संभोग की आदत पड़ चुकी थी, बिना संभोग वो अब रह नहीं पाती थी। ऐसा करते करते काफ़ी महीने बीत चुके। फिर धीरे धीरे जो कोलकाता के सुषमा के गुरु थे उनको इस बात का पता चल जाता है। जैसे ही उनको इस बात का पता चलता है वो तुरंत सुषमा को अपने पास बुलवाते हैं। सुषमा उनके पास जब जाती है तो उनका गुरु उन्हें डांटना शुरू कर देते हैं। उन्होंने इस मंत्रों का प्रयोग अच्छे कामों के लिए बोला था, पर वो सुषमा अपना हवस को पूरा कर रही थी इन मंत्रों की मदद से। फिर उनके गुरु ने उनके मंत्रों को सारे वापस अपने पास ले लिया और अब सुषमा को कोई भी उनके मंत्रों का प्रयोग नहीं कर पाती थी। फिर सुषमा अपने घर वापस आई। सुषमा काफ़ी निराश हुई, काफ़ी हताश भी हो गई। उसे लगा कि वो गलती कर दी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर घर आने के बाद उसे मंत्र तो पूरे याद थे पर मंत्र किसी काम का नहीं था, मंत्र कोई भी उसके काम नहीं आ रही थी। फिर धीरे धीरे रात हो गई। रात होने के बाद फिर से उसे संभोग की तलब लगी क्योंकि वो संभोग की आदि हो चुकी थी। फिर उसे याद आता है कि भजन लाल ने जो उसे मंत्र सिखाया था वो मंत्र अब भी उसे काम कर रहा है क्योंकि भजन लाल ने अपना मंत्र वापस नहीं लिया है। फिर सुषमा काफ़ी गुस्से में थी, काफ़ी परेशान भी थी, तो वो गुस्से में आकर उस रात 21 भूतों को अपने पास बुला लिया और 21 भूतों को बुलाने के बाद वो उन्हें संभोग के लिए बोलती है। भूत उसके साथ संभोग करने लगते हैं, भूत बारी बारी से उसके साथ करने लगते हैं, पर इस बार सुषमा कुछ ही टाइम में अपनी यौन उत्तेजना से शांत हो गई क्योंकि इस बार उसे मंत्र काम नहीं कर रहे थे। सुषमा फिर भूतों को मना कर देती है कि आप मेरे साथ ऐसा मत करो, पर कोई भी भूत बात नहीं मानता है क्योंकि भूत
भूत सिर्फ मंत्र की भाषा जानते थे, भूतों को सिर्फ मंत्र से ही कंट्रोल किया जा सकता था, पर इस बार सुषमा का कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से भूत वापस नहीं जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। सुषमा काफ़ी परेशान होती है, बार बार मना करने पर भी भूत जबरदस्ती करते हैं। दो दो तीन तीन भूत एक साथ उनके साथ दुर्व्यवहार, शारीरिक संभोग करने लगते हैं। सुषमा अब चीखने चिल्लाने लगती है, लोगों की मदद मांगने लगती है, पर सुषमा का जो किराए का मकान था वो थोड़ा दूरी पर था मोहल्ले से, तो कोई भी मोहल्ले का लोग सुन नहीं पाते हैं, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ पाते हैं। दो तीन घंटे तक भूत उसके साथ ऐसा ही गलत काम करते रहते हैं। भूत शारीरिक संबंध बनाने के साथ साथ उसके हाथ पैर गर्दन गले हर चीज़ को मरोड़ते थे, अपने तरफ खींच रहे थे, क्योंकि 21 भूत काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे और उन सभी भूतों का इच्छा पूरी नहीं कर पा रही थी सुषमा। फिर धीरे धीरे भूत भी गुस्सा में आने लगे और उसके एक पैर को तोड़ दिए। पैर को तोड़ने के बाद भूत काफ़ी खुश होते हैं, फिर दूसरे पैरों को तोड़ देते हैं, सुषमा को परेशान करने लगते हैं। सुषमा के दर्द और सुषमा की चीख सुन के भूतों को खुशी होती थी। फिर धीरे धीरे उसके दोनों पैर दोनों हाथों को तोड़ दिया, दोनों पैरों को बीच में से चीर दिया, उसके गले को मरोड़ दिया, उसके पेट को मरोड़ दिया, प्राइवेट अंगों पे बहुत बुरे तरीके से जख्म कर दिए। फिर धीरे धीरे करके सुषमा रात 3 बजे अपना अंतिम सांस लेती है और अंतिम सांस लेने के बाद धीरे धीरे सुबह हो जाता है, भूत सब वापस चले जाते हैं। फिर सुषमा अपने ही घर में पड़ी रहती है। फिर दिन होता है, दिन में भी सुषमा किसी से मिलती जुलती नहीं थी तो कोई उसके पास मिलने नहीं आया। फिर धीरे धीरे करके 4 दिन बीत गया, फिर उसकी माँ को सुषमा की याद आई, उसे याद आया कि सुषमा 4 दिन से उसे कॉल नहीं की है। फिर उसकी माँ उसके रूम पर आती है, दरवाज़ा खटखटाती है, पर दरवाज़ा कोई नहीं खोलता है, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था और सुषमा मर चुकी थी। फिर सुषमा की माँ थोड़ी डरती हैं और गांव वालों को बुलाती हैं। फिर जैसे ही गांव वाले आते हैं, गांव वाले भी दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं, पर दरवाज़ा ना खुलने पर गाँव वाले डरते हैं और फिर गाँव वाले पुलिस को बुलाते हैं। फिर पुलिस आती है, दरवाज़ा तोड़ती है। फिर पुलिस जो सामने का मंजर देखती है, पुलिस भी डर के मारे कांप जाती है, पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं। ऐसा लाश जीवन में पुलिस कभी नहीं देखी थी, ऐसा किसी के दुश्मन के साथ भी ना हो, ऐसा गांव वाले के मन में बात आया। पुलिस भी काफ़ी हैरान हो गई, क्योंकि पुलिस ऐसा घटना जीवन में पहली बार देखी थी। पुलिस को समझ नहीं आया कि आखिर ये मर्डर, ये दुर्व्यवहार किया तो किया किसने, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। अगर दरवाज़ा अंदर से बंद है तो कातिल भी अंदर ही होगा, पर उसके घर की बहुत अच्छे से छानबीन की गई, घर में कोई नहीं था और घर से बाहर निकलने के लिए पीछे से भी कोई दरवाज़ा नहीं था, कोई खिड़की भी नहीं थी। पुलिस भी हैरान होती है कि आखिर इसका मर्डर करने वाला गया तो गया कहाँ, क्योंकि कोई भी इंसान अगर आत्महत्या करेगा तो जहर खाएगा या फांसी लगाएगा, पर इस तरीके से अपने दोनों पैरों दोनों हाथों या फिर अपने शरीर दोनों पैरों को बीच में से फाड़ेगा नहीं, अपने प्राइवेट अंगों पर इतना जख्म नहीं डालेगा। पुलिस भी हैरान हो जाती है, पुलिस भी परेशान हो जाती है, गाँव वाले भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। पुलिस लगभग 4 महीने तक छानबीन करती है, पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई, पर पुलिस के हाथों कुछ भी जानकारी नहीं लगी। उधर डॉक्टर का रिपोर्ट भी आया, रिपोर्ट में भी मेघना के प्राइवेट अंगों पर जख्म के निशान देखकर पुलिस ये तो बोली कि उसके साथ रेप हुआ है, पर उसके अंदर जो DNA सैंपल मिले, उस सैंपल से पुलिस ये नहीं बता पाई कि इसके साथ कोई पुरुष गलत काम किया है या फिर कोई और गलत काम किया है। बिल्कुल भी डॉक्टर भी हैरान हो गए, पुलिस भी हैरान हो गए। अंतिम में थक हार कर इस केस को बंद कर देते हैं। आज भी ये केस एक अनसुलझा रहस्य है और जो मेघना का तांत्रिक था, वो तांत्रिक भी डर के मारे इस बात को लगभग 2 महीने बाद एक न्यूज़ पत्र में जाकर बताता है, जिसके बाद ये कहानी सब लोगों के सामने आई। फिर भी कानून इसे कहानी को सिर्फ एक कहानी मानता है।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।